हेलो एंड गुड इवनिंग बच्चों। तो ये है मैग्नेटिक फोर्स पर हमारा लेक्चर नंबर 2। कल के लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और समझी थी कि कैसे एक चार्ज पार्टिकल जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो उसके ऊपर क्या लगने लगता है, एक फोर्स लगता है FB, जिसकी वैल्यू होती है क्यू वी बी साइन थीटा। डिपेंड करता है थीटा की वैल्यू पर उसका एक्चुअल मैग्नीट्यूड, कि वो क्यू वी बी होगा या कुछ और वैल्यू होगा। ठीक है, बहुत सारी एनालिसिस हमने डिटेल में डिस्कस करी थी और एक बात हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो फोर्स है ये हमेशा वी क्रॉस बी के मतलब V क्रॉस B की डायरेक्शन में होगा, तो जो V और B का प्लेन है उससे भी ये परपेंडिकुलर होगा, राइट। अब उन्हीं सब चीजों का एक्सप्लिकेशन हम करेंगे और आज हम पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन भी बच्चों, राइट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बच्चे 12th में हैं उनके लिए, ठीक है। चलिए, सो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस, मिट दिस टॉप टीम ऑफ अनअकैडमी नीट बच्चों, इट्स अ क्लासिक फ्यूजन ऑफ बेस्ट ऑफ द टीचर, बेस्ट ऑफ द कंटेंट एंड बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी बच्चों, राइट। एंड राइट, माई सेल्फ महेंद्र सिंह, आई एम बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट, योर फिजिक्स एजुकेटर, राइट। So, यहां पर देखिएगा, इस क्लासिक टीम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए अपने फोन में टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें। आफ्टर डाउनलोडिंग दिस tinyurl.com/neetlivechat, इस यूआरएल को अपने फोन के ब्राउजर में जाकर हिट करें, यू विल एबल टू ज्वाइन विद अस बच्चों, राइट। एंड प्लस इज द बिगेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया बच्चों, यहां पर टेस्ट है, आपकी प्रिपरेशन को एक्स्ट्रा एस प्रोवाइड करने के लिए वीकली क्विजेस हैं बच्चों, डेडिकेटेड डाउट सेशन है, मोर पर्सनलाइज्ड वे में नॉट ओनली अनअकैडमी नीट टीम विल गाइड यू बट एज वेल कोटा में जो डेली और कोटा के जो टॉप एजुकेटर्स है वो भी आपको यहां पर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो एक सब्सक्रिप्शन और बहुत सारा एक्सेस आपको यहां पर मिल जाता है बच्चों। करना क्या इसके लिए, फटाफट से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, इंस्टॉल दिस, आफ्टर इंस्टॉलिंग गो टू द प्लस सेक्शन बच्चों, कहां पर जाना है आपने, प्लस सेक्शन पर जाना है, एंड आफ्टर दैट सेलेक्ट फॉर नीट एंड एम्स कैटेगरी एंड देन गेट सब्सक्रिप्शन, एंड देन यहां पर आपको जाना है बच्चों 1 year and 2 year के सब्सक्रिप्शन के लिए। कहां जाना है बच्चों, 1 year or 2 years के सब्सक्रिप्शन के लिए, एंड देन सेलेक्ट फॉर कोड नीट लाइव। इफ यू सेलेक्ट दिस कोड यू विल गेट एडिशनल 10% बेनिफिट, जिससे ये क्वालिटी एजुकेशन इकोनॉमिकल हो जाएगा बच्चों। सो क्वालिटी एंड इकोनॉमी बोथ टूगेदर, दैट इज व्हाई अनअकैडमी इज अनबीटेबल, यूज दिस कोड नीट लाइव। चलिए अब यहां पर देखिएगा, कल के क्लास में जब हम एक सवाल कर रहे थे तो यहां पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, राइट, है ना। तो यहां पर देख लेते हैं बच्चों, चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू दिस, एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज फाउंड टू बी दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, है ना। थोड़ा सा उस समय हम जल्दी जल्दी में थे, थोड़ा सा क्लिक नहीं किया था चीजें, यहां पर देख लेते क्या होगा, राइट। तो हमें पता है सर, एफ इज इक्वल टू कितना होता है, एफ वैक्टर इज इक्वल टू होता है क्यू, और ये होता है सर वी क्रॉस बी। क्या होता है बच्चों, क्यू और वी क्रॉस बी। हमने क्या पढ़ा था, एफ जो है इज परपेंडिकुलर टू वी, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वी होगा, और एफ इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बी होगा। अगर F is always perpendicular to B, तो F क्या होता है बच्चों, F vector is equals to mass into my acceleration vector। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, that means acceleration vector should be perpendicular to field vector, yes or no? Acceleration vector should be perpendicular to field vector। अगर ऐसा है तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे सर, A vector का dot B vector के साथ क्या होना चाहिए, zero। आ रही है बात समझ में, ये कल के लेक्चर का सवाल है, इसको मैं यहां पर पहले कर रहा हूं क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि थोड़ी सी जो भी बात गड़बड़ हो रही है उसे हम कल के लेक्चर में वो करेंगे बच्चों। तो छोटी सी बात थी लेकिन क्लिक नहीं हो रहा था, तो यहां पर देखिए जरा, ये क्या हो जाएगा सर, एक्स आई के प्लस दिस विल बी आपका 2j k, डॉट लगाएंगे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा सर आपका 3i k, और प्लस हो जाएगा सर दिस विल बी 4j k, और ये यहां पर मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो यहां पर इसको डिवाइडेड बाय 100 रख के चलो, और यहां पर भी डिवाइडेड बाय क्या रख के चलो बच्चों, 100, है ना, मैंने डिवाइडेड बाय 100 कर लिया टेस्ला में, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, जीरो। वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये दोनों 100 100 क्या कर जाएंगे, कॉमन होके नीचे चल के खत्म। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो सर ये हो जाएगा आपका 3x, और ये हो जाएगा सर आपका यहां पर प्लस, कितना हो जाएगा सर, 4 × 8 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा -8/3। x का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, -8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आसान सा सवाल था लेकिन क्लिक नहीं करने पर, है ना, चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हो जा रही थी। वी थॉट कि वी नहीं दिया तो बात नहीं बनेगी बच्चों, लेकिन वी नहीं दिया हो तब भी ये बन जाएगा, ये कॉन्सेप्ट हमें ऐसे लगाना चाहिए था, ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल होमवर्क में दिया था, होमवर्क का पहला क्वेश्चन, 5 ampere अ पार्टिकल विथ अ स्पेसिफिक चार्ज एस इज फायर्ड विथ अ स्पीड वी टूवर्ड्स अ वॉल बच्चों, राइट, एट अ
डिस्टेंस डी परपेंडिकुलर टू द वॉल एट अ डिस्टेंस डी, ये 5 नहीं होगा यहां पर, 5 एम्पियर नहीं पढ़ लेना, एट अ डिस्टेंस डी परपेंडिकुलर टू द वॉल व्हाट मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड मस्ट एग्जिस्ट इन दिस रीजन फॉर दैट पार्टिकल डू नॉट हिट द वॉल। ध्यान से देखिएगा यहां पर, है ना, क्वेश्चन ऐसा था बच्चों कि यहां पर आपको एक वॉल दी हुई थी और इससे आगे वॉल से आगे के रीजन में यहां पर क्या था, तो यहां पर एक यूनिफॉर्म, यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड था, यहां पर क्या था बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड था लाइक दिस, है ना, मैग्नेटिक फील्ड था कुछ इस तरह से। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और कहा भी है व्हाट मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड मस्ट एग्जिस्ट इन दिस रीजन, अगर भाई जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट हो, मैंने इनवर्ट ले ली, आउटवर्ट भी हो सकती थी, जब पार्टिकल यहां से इंटर करेगा तो यू नो दैट कि सर पार्टिकल यहां से एक सर्कल में घूमेगा और इस सर्कल का रेडियस, इस सर्कल का जो रेडियस है आर, दैट मस्ट बी कितना होना चाहिए बच्चों, इक्वल टू डी, डी या डी से छोटा, डी होना चाहिए या डी से छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर डी से बड़ा हुआ, अगर डी से क्या हुआ बच्चों, बड़ा हुआ, तो फिर इस वॉल को हीट कर देगा, हम चाहते हैं वॉल को हीट ना करें, तो हम बोलेंगे सर आर इज इक्वल टू डी, आर इज इक्वल टू डी मतलब एम बी डिवाइडेड बाय क्यू बी इज इक्वल टू डी हो जाएगा बच्चों, एम बी डिवाइडेड बाय क्यू बी इज इक्वल टू डी हो जाएगा, और पूछा क्या था हमें बी का वैल्यू, सो मैं यहां पर लिखूंगा बच्चों बी इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाय QD, और यहां पर इसको ऐसा लिख सकते हैं सर V डिवाइडेड बाय, दिस इज Q डिवाइडेड बाय M इनटू में D, और जो Q बाय M है इसको हम बोलते हैं बच्चों स्पेसिफिक चार्ज, इसे क्या कहते हैं बच्चों स्पेसिफिक चार्ज, तो ये हो जाएगा सर V डिवाइडेड बाय SD, क्योंकि यहां पर स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू, स्पेसिफिक चार्ज आपको S दिया हुआ है, स्पेसिफिक चार्ज कितना है S है, तो आंसर आता है बच्चों V डिवाइडेड बाय SD, आंसर क्या आ जाता है बच्चों V डिवाइडेड बाय SD, ऑप्शन A इज करेक्ट, क्लियर है सबको बात। चलिए अब अगला सवाल पढ़ते हैं, अ पार्टिकल विथ अ चार्ज Q मूविंग विथ अ मोमेंटम P इंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली, ओके मोमेंटम दिया हुआ है, क्या दिया बच्चों इस बार मोमेंटम, मतलब टूगेदर आपको MB का वैल्यू दिया हुआ है, द मैग्नेटिक फील्ड हैज मैग्नीट्यूड B एंड इज कंफर्म्ड कन्फाइंड इन अ रीजन ऑफ विथ D, किसमें कन्फाइंड है बच्चों, कन्फाइंड इन अ रीजन ऑफ विथ D, कितना रीजन है इसका D, इसका विथ है, वेयर D इज लेस देन P by BQ, ये भी दिया हुआ है, where D is less than P by BQ, the particle is deflected by an angle theta in crossing the field, तो यहां पर theta का वैल्यू कितना होगा, अब एक बात स्पष्ट है सर कि जब ये यहां से ऐसे जाएगा तो ये सीधे सीधे स्ट्रेट तो नहीं निकल सकता, क्योंकि जैसे इसके अंदर इंटर करेगा तो यहां पर क्या करेगा सर, इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, देखो सारी फिंगर्स इन साइड द मैग्नेटिक फील्ड रखो, थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ, थंब को कहां रखोगे बच्चों, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो यह क्या रखेगा, ऐसा फोर्स लगेगा, मतलब दिस पार्टिकल विल मूव लाइक दिस, दिस पार्टिकल विल मूव लाइक दिस, और यहां से टेंजेंशियली ऐसा बाहर हो जाएगा बच्चों, जब यहां से टेंजेंशियली ऐसा बाहर होगा तो ये डेविएशन, भाई ऐसा जाना चाहिए था लेकिन यहां पर ये डेविएशन आपसे पूछा, ये थीटा कितना होगा, दिस थीटा इज रिक्वायर्ड। अब बच्चों एक बात स्पष्ट तौर पर यहां पर समझ लेनी चाहिए कि वो क्या होगा, अच्छा इसका क्या मीनिंग है, डी इज लेस देन पी डिवाइडेड बाय बी क्यू, इसका क्या मीनिंग है बच्चों, एक्चुअल में आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू होता है बच्चों एम बी डिवाइडेड बाय क्यू बी, मतलब आप क्या बोलेंगे सर, आर इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय क्यू बी, ठीक है कि नहीं, पी डिवाइडेड बाय क्यू बी, अब अगर ये जो डी है, जो सेपरेशन है इस रीजन का, अगर ये आर से कम हो जाए तो ये पार्टिकल पूरा यू टर्न नहीं करेगा, अगर यहां पर बच्चों ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन में, अगर ये डी का वैल्यू इस आर से क्या होता, बड़ा हो जाता, तो ये पार्टिकल ऐसे जाता घूम के यू टर्न मार के बाहर निकल जाता, ऐसे जाता घूमता यू टर्न मारता और बाहर निकल जाता, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन अगर यहां पर हम बात करते तो कितना हो जाता बच्चों 180 डिग्री, पाथ कितने से डेविएट कर जाता, 180 डिग्री से डेविएट कर जाता, सो अगर ये सर्कल में घूमेगा तो कहीं यहां पर इसका सेंटर होगा, कहीं यहां पर इसका सेंटर होगा बच्चों O, और अगर हम देखें तो ये रेडियस होगी आपकी R और ये भी रेडियस होगी आपकी R। अब एक बात यहां पर ये समझने वाली है कि सर ये जो सर्कल है इस पर ये जो रेडियस है ये वाला एंगल बनाएगा 90 डिग्री बच्चों, यस और नो, अब ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री है तो आप यहां पर देखो ये वाला एंगल भी आपको कितना दिखेगा बच्चों 90 डिग्री, राइट 90 डिग्री हो गया, तो अगर ये 90 डिग्री है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, सो ये वाला एंगल, अगर दिस एंगल इज थीटा, सो दिस वाला एंगल इज कंप्लीट 90 डिग्री, तो यहां पर बच्चों ये वाला एंगल कितना आएगा 90 माइनस थीटा, सो दिस एंगल विल भी कितना आ जाएगा थीटा बच्चों, ये वाला एंगल कितना आएगा 90 माइनस थीटा, सो दिस वाला एंगल इज थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90,
अब करना क्या है, करना भाई देखो सारा का सारा खेल जो है इसमें किसका होगा, सिंपल ज्योमेट्री का होगा बच्चों। आपको किस तरह से करना है, कहां पर एंगल होगा, उस एंगल को कैसे एडजस्ट करके लाना है, सारी बातें उस पर, ठीक है। तो साइन थीटा हमें कैलकुलेट करना है। मैं यहां पर इसके लिए अगर बात करूं, इस एंगल के लिए साइन थीटा, तो मैं साइन थीटा को ऐसे लिख सकता हूं, सर इस एंगल के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इस एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, डी होगा, हाइपोटेनियस कौन होगा, आर के बराबर होगा, ये लिख दिया आर। तो आई कैन राइट सर sin theta is equals to d divided by r, r का वैल्यू हो जाएगा सर mb divided by qb, मतलब ये हो जाएगा सर d as it is होगा, qb चला जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा p, नीचे क्या हो जाएगा बच्चों mb की जगह p लिख दोगे, तो ये कितना हो जाएगा, this will be bqd divided by p in ये sin theta, तो ऑप्शन ए करेक्ट हुआ यहां पर। क्या करेक्ट हुआ बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। अब आगे बात करते हैं अगले सवाल पर, ये भी आपको होमवर्क में दिया था। A uniform magnetic field is directed out of the page. इस पेज से बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है। A charged particle moving in the plane of the page follows a clockwise spiral. कैसा spiral follow कर रहा है बच्चों? Clockwise. Clockwise का मतलब है यहां पर ये direction ऐसी होगी, ठीक है, ये direction ऐसी होगी, ये direction ऐसी होगी। अब ऑफ डिक्रीजिंग रेडियस इज शॉन इन द फिगर, अ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन इज दैट, फील्ड कैसी है, फील्ड है बच्चों आउटवर्ड। सवाल यहां पर ऐसा होता है कि अगर फील्ड आउटवर्ड है, फील्ड अगर आउटवर्ड है और अगर ये स्पाइरल क्लॉकवाइज है, तो चार्ज यहां पर पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए, पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यहां पर डेफिनेटली फोर्स कैसा होना चाहिए, इन दिस डायरेक्शन फोर्स अगर ऐसा होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, मेरी पाम नीचे की तरफ होनी चाहिए, मेरी उंगलियां आपकी तरफ डायरेक्टेड होनी चाहिए, क्योंकि प्लेन ऑफ द पेपर से नीचे, राइट। तो देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन है ना, यहां पर डायरेक्शन ऑफ मोशन ये इधर है, डायरेक्शन ऑफ मोशन बच्चों, राइट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। उंगलियां मैंने ऐसे रखी, उंगलियां रखी मैंने कहां पर, आउटवर्ड टू द फील्ड, और यहां पर फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, बिल्कुल सही है। मतलब ये कैसा होगा, चार्ज इज पॉजिटिव, चार्ज तो पॉजिटिव है भैया, सही डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है सर, आर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आर इज इक्वल टू होता है आपका एम बी डिवाइडेड बाई क्यू बी, आर इज इक्वल टू क्या होता है एम बी डिवाइडेड बाई क्यू बी। अगर यहां पर R कम हो रहा है, बाकी सारी चीजें अगर सेम है, चार्ज सेम है, मास सेम है, फील्ड वेरी नहीं कर रहा, फील्ड अगर वेरी नहीं कर रहा तो फिर क्या होगा, अगर R डिक्रीज कर रहा है बच्चों, तो R किसके साथ प्रोपोर्शनल होगा, V के साथ, R इज प्रोपोर्शनल टू V। अगर R डिक्रीजिंग है, अगर R कम हो रहा है, V कम होना चाहिए, मतलब चार्ज इज पॉजिटिव एंड स्लोविंग डाउन बच्चों, चार्ज इज पॉजिटिव एंड स्लोविंग डाउन, बात समझ में आ रही है, एक अच्छा सवाल थ्योरिटिकल एस्पेक्ट पर बेस्ड, राइट। अगला सवाल देखते हैं, ये भी होमवर्क में आपको दिया था ना, कल मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए थे, ताकि आपको मैग्नेटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से चीजें आपको क्लियर हो जाए बच्चों। अ चार्ज पार्टिकल बिगिंस टू मूव फ्रॉम द ओरिजिन इन अ रीजन विच हैज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन एंड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वाई डायरेक्शन। चलिए भैया दो यहां पर चीजें क्लियर हो गई, एक तो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है बी वेक्टर, विच इज सपोज टू यू कैन से मैग्नीट्यूड आपका बी नॉट, और वो आई केप होगा एक्स डायरेक्शन में, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको दिया हुआ है ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट, और ये आपको दिया हुआ है जे कैप में, कहां पर दिया बच्चों जे कैप में। अब समझना ध्यान से, बोला ये है कि इट्स स्पीड इज वी, इट रीचेस द पॉइंट एक्स वाई जेड, इसकी स्पीड कितनी बच्चों वी, और कहां पहुंच जाता है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड पर, देन वी विल डिपेंड्स, वी किसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब एक बात यहां पर स्पष्ट है कि वी किसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों, तो जो बी होता है ना, जो बी होता है, बी का जो फोर्स है, द फोर्स ऑन द पार्टिकल बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फील्ड वैक्टर। तो वो जो फोर्स है वो यहां पर क्या नहीं करेगा, वेलोसिटी को चेंज करने से रहा, तो स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों, स्पीड डिपेंड्स ओनली ऑन वाई, किसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों, ओनली ऑन वाई, मतलब स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करने का कौन है, एकमात्र कारण है ये आपका ई नॉट, कौन होगा बच्चों ये आपका ई नॉट। अगर पार्टिकल इस तरफ जाएगा एक्सेलरेट कर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगी क्यू ई, अगर पार्टिकल इधर जाएगा डी एक्सेलरेट कर जाएगा, अगेन इट डिपेंड्स पार्टिकल पॉजिटिव है या नेगेटिव है बच्चों, ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला सवाल,
A charged particle moves in a magnetic field. B is equals to 10i with initial velocity. U is equals to 4i plus 5j. The path of the particle will be. अब ध्यान से सुनना. Magnetic field आपको कैसी दी है बच्चों? Magnetic field is equals to B is equals to आपको दिया हुआ है 10i. लेकिन अगर आप यहाँ पर बात करेंगे U की velocity की, तो velocity आपको कैसी दी है बच्चों? Velocity के पास दो component है. Velocity के पास दो component है. क्या-क्या है? एक component है उसके पास i. एक component है उसके पास बच्चों 5i cap है ना, और एक कंपोनेंट है बच्चों उसके पास 4j cap. एक कंपोनेंट कौन सा है बच्चों? 4j cap. दिस कंपोनेंट, दिस vy, vy कैसा है बच्चों? दिस इज vy एंड ये क्या आपका vx है बच्चों. तो vx तो क्या हो गया? vx हो गया सर b के पैरेलल. vx वेक्टर क्या हो गया बच्चों? b के पैरेलल. मतलब ये तो एज इट इज रहेगा, एज इट इज चलता चलेगा. लेकिन अगर हम देखें तो vy क्या है बच्चों? vy इज परपेंडिकुलर टू b. मतलब अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहां पर क्या करेगा? ये ऐसे घूमने लगेगा सर्कल में. लेकिन ये सर्कल क्या करेगा? ये सर्कल प्रोपोगेट भी करेगा. ये सर्कल क्या करेगा बच्चों? प्रोपोगेट भी करेगा. तो इस सर्कल के प्रोपोगेट करने का मतलब क्या है? ये सर्कल ऐसा आगे बढ़ेगा. ये सर्कल क्या करेगा? सर्कल यहां पर बना, यहां पर बना, यही रहता, ये पार्टिकल यही घुमा करता, ये पार्टिकल यही घुमा करता. क्योंकि अगर अगर यहां पर ये v नहीं होता, अगर ये vx नहीं होता, तो ये पार्टिकल यही घुमा करता. लेकिन चूंकि इस पार्टिकल को vx पकड़ के आगे खींचेगा, vx क्या करेगा? पकड़ के आगे खींचेगा. तो ये पार्टिकल क्या करेगा? ये पार्टिकल यहां से निकलकर ऐसे आगे घूमने लगेगा. तो इसका पाथ कैसा होगा बच्चों? इसका पाथ होगा हेलिकल. कैसा पाथ होगा बच्चों? हेलिकल पाथ होगा. राइट, पार्टिकल विल गो लाइक दिस. मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो ये ऐसा डायग्राम बनेगा बच्चों. दिस इज द हेलिकल मोशन. क्लियर है? चलिए अगला सवाल ये रहा. A particle of specific charge alpha starts moving from the origin under the action of an electric field E is equals to E naught I cap and magnetic field B is equals to B naught K. Its velocity at X naught, Y naught, 0 is 4I plus 3J. The value of X naught is, the value of X naught is, alright? ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं. राइट, जैसे मैंने आपको पिछला सवाल करवाया बिल्कुल उसी पर बेस्ड है, तो आप इसे खुद ट्राई करिएगा एक बार और. राइट, 25 डिवाइडेड बाय 2 अल्फा ई नॉट इज द करेक्ट आंसर. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. आपको देखना है ए नॉट एंड बी नॉट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा. यहां पर ध्यान से देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी बच्चों. ठीक है, अगला सवाल ये हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं, ये हमारा हो चुका था. ठीक है, कल के लेक्चर में कर लिया हमने, तो इसको हटा देते हैं यहां से. ये वाला एक अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है, इसे जरूर देखते हैं. ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा. फॉर द गिवन फिगर अ चार्ज्ड स्फीयर ऑफ मास m एंड चार्ज q स्टार्ट्स स्लाइडिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ वर्टिकल फिक्स्ड सर्कुलर ट्रैक. रेस्ट मतलब u इज इक्वल टू 0 से, बहुत बढ़िया. ओके, ऑफ रेडियस r फ्रॉम द पोजिशन शोन द ट्रैक एग्जिस्ट अ यूनिफॉर्म एंड कॉन्स्टेंट हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन b. कॉन्स्टेंट एंड हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन b. राइट, लाइक दिस. अब यहां पर देखिए सवाल क्या है, तो उसने पूछा है कैलकुलेट करने के लिए क्या दिया, तो ये कैलकुलेट करने के लिए यहां पर क्या कहा है ये बताया ही नहीं है बच्चों. राइट, तो सवाल इनकंप्लीट है. चलिए, आपको भी ये कंफ्यूजन हुआ होगा, तो मैं यहां पर क्वेश्चन को कंप्लीशन कर दे रहा हूं थोड़ा सा. फाइंड, मैं लिख दे रहा हूं बच्चों यहां पर आपके लिए, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड ऑन स्फीयर. राइट, अब आप ट्राई करिएगा इसको. ठीक है, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड ऑन स्फीयर. अब आप इसे ट्राई करिएगा, है ना, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं था कि कैलकुलेट क्या करना है. तो सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. आपको यहां पर कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा सर? इसका सेल्फ एट mg इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो कौन कौन से फोर्सेस हैं यहां पर? इसकी तरफ लगेगा बच्चों नॉर्मल. यहां पर क्या लगेगा? एक नॉर्मल लगेगा इस तरफ. तो ये नॉर्मल आपको कैलकुलेट करना है, और नॉर्मल के लिए एनालिसिस आपको यहां पर ध्यान रखनी है. मतलब एक जैसे आप सिंपल मैकेनिक्स में करते हो, एक एडिशनल फोर्स यहां पर आ गया, और वो एडिशनल फोर्स कौन सा होगा बच्चों? इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, QVB. बस उसके कंपोनेंट्स और आपको लेना रहेंगे. राइट, तो बड़ा आसान सा सवाल है, आप यहां पर बना सकते हैं. अगला सवाल ये रहा आपके लिए. ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ स्पीड यू अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट वाई इज इक्वल टू जीरो, ओके, इंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच एग्जिस्ट टू द राइट ऑफ y एक्सिस, ओके, y एक्सिस के जस्ट राइट में. यहां पर क्या है बच्चों? तो यहां पर है आपका y इज इक्वल टू जीरो, यहां पर एंटर करता है. ओके बढ़िया, y इज इक्वल टू जीरो पर, मतलब ये एरो है यहां से एंटर करेगा. थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड है बच्चों, तो इसे आप देखिएगा जरा. दिस इज यू एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन, ऐसा एंटर करेगा. अब बोलता है द इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट फ्रॉम द रीजन सम आफ्टर, है ना,
some time with the speed v at coordinate y. Then जहां पर ये पार्टिकल क्या करेगा, यहां से निकलेगा, जहां पर ये पार्टिकल क्या करेगा बच्चों, यहां से निकलेगा बाहर, उस समय y क्या होगा, उस समय v क्या होगा, ये पूछा है। एक बात स्पष्ट है बच्चों, जितनी वेलोसिटी से एंटर करेगा उतनी ही वेलोसिटी से बाहर आएगा, मतलब ए और सी तो नहीं हो सकता, कल यही सिखाया था, ए और सी तो इसमें नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, दोनों खत्म हो जाएंगे। मतलब क्या होगा, v इज इक्वल टू u, ये पहला ऑप्शन हमारे पास बनता है। अब y यहां पर नेगेटिव होगा या y यहां पर पॉजिटिव होगा, डिपेंड करेगा, आपको यहां पर पता लगाना पड़ेगा चार्ज पार्टिकल कौन है। अगर चार्ज पार्टिकल आपका पॉजिटिव है, अगर चार्ज पार्टिकल आपका कैसा है बच्चों, पॉजिटिव है, तो यहां पर उंगलियां आपकी जानी चाहिए अंदर, राइट हैंड थंब आपका जाना चाहिए कहां पर, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो फोर्स कहां पर लगेगा, ऊपर की तरफ। अगर ये चार्ज पॉजिटिव होता, सर्कल बनता ऊपर, अगर ये चार्ज कैसा होता बच्चों, पॉजिटिव, किसके लिए, तो आप यहां पर बोलते सर फोर पॉजिटिव चार्ज। लेकिन चूंकि ये क्या है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन है, क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों, इलेक्ट्रॉन, जो कि कैसा है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो ये ऐसा बाहर निकलेगा, कहां बाहर निकलेगा बच्चों, यहां पर। तो v का वैल्यू तो u के बराबर होगा, लेकिन y का वैल्यू कैसा होगा बच्चों, y इज इक्वल्स टू नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या होगा, y लेस देन 0 होगा, तो इसमें ऑप्शन क्या करेक्ट होगा बच्चों, d। ये नीट में ऐसे छोटे छोटे सवाल आते हैं जिन पर हमें थोड़ा सा विचार करना होता है, ठीक है। तो आज के सेशन में मैं यहां पर, कल मैंने बहुत सारे होमवर्क क्वेश्चन इसलिए दिए थे क्योंकि आज ढेर सारी प्रैक्टिस करके मैग्नेटिक फोर्स हम बहुत अच्छे से समझ लें, ताकि फिर हम अगले लेक्चर में बच्चों पढ़ेंगे फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, वो बहुत ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये था आपके लिए आज की सारी चीजें, राइट। अगला सवाल, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज पर यूनिट मास, मतलब स्पेसिफिक चार्जेस अल्फा, रिलीज्ड विद अ वेलोसिटी v इज इक्वल टू v नॉट, है ना, रिलीज्ड विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू v नॉट, i कैप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b इज इक्वल टू b नॉट k कैप, इफ द पार्टिकल पासेस थ्रू 0, y, 0, देन y इज इक्वल टू, y का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा है। चलिए थोड़ा सा यहां पर क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसा बना लेते हैं, राइट। इस तरह का क्वेश्चन कल भी हमारे एनालिसिस में आया था, यहां पर देखो मैं इसको ऐसा बना लेता हूं। यहां पर हम लेते हैं सपोज दिस इज आपका x, ये वाला हम x ले लेते हैं बच्चों, यहां पर v है, राइट। सपोज इसको ले लेते हैं, दिस इज माई x एक्सिस और ये मैंने ले लिया बच्चों y एक्सिस, है ना, ये मेरा x हो गया, ये मेरा y हो गया, मान लिया अजम्पशन है, राइट। और यहां पर ये क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, इसलिए इसको क्रॉस बोल दिया, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है बच्चों, इनसाइड, इसलिए क्रॉस बोल दिया। मतलब यहां पर इस स्क्रीन से परपेंडिकुलर, इस स्क्रीन से परपेंडिकुलर जो वेक्टर है वो आपकी तरफ है और वो पॉजिटिव z होगा, इनसाइड वेक्टर नेगेटिव z होगा, यहां पर ये कहानी है। तो आपको क्या कहा, आपको ये कहा कि यहां पर जो पार्टिकल है वो किसी v वेलोसिटी, v नॉट वेलोसिटी, जो कि पॉजिटिव i कैप है, ऐसे एंटर करेगा और ये b इधर है बच्चों, तो यहां पर आप क्या बोलोगे सर, लाइक दिस, है ना जी, लाइक दिस आपको बोलना पड़ेगा। तो ये कैसा होगा, अच्छा एक और बात मजेदार है, एक और बात मजेदार ये है कि यहां पर आपसे पूछा है y का वैल्यू इक्वल टू इज, तो ये फोर्स किधर जाएगा बच्चों, है ना, ये फोर्स किधर जाएगा, तो ये चार्ज पार्टिकल कैसा है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं दिया, तो हम उसको पॉजिटिव लेके चलेंगे, कैसा लेके चलेंगे बच्चों, पॉजिटिव। तो यहां पर अगर ये फील्ड मैंने इनवर्ड ली है, क्योंकि मैं जेड को अंदर मान रहा हूं बच्चों, तो माइनस के मतलब इनसाइड जाएगा, तो ये इनसाइड हो गया, थंब ऊपर हो गया, क्योंकि पॉजिटिव आई केप दिया हुआ है, तो फोर्स इधर लगेगा, मतलब ये ऐसे जाएगा बच्चों, ये ऐसे जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सर, दिस विल बी आपका आर, ये आर हो जाएगा और ये वाला वैल्यू भी आर होगा, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, दिस इज वाई और इस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, टू आर के बराबर, वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, टू आर के बराबर। सो दिस वाई विल बी माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि इधर वाई पॉजिटिव होगा और इधर y नेगेटिव होगा, आ रही है बात समझ में, क्लियर टू एवरीवन और नॉट, दिस पॉइंट इज व्हाट, ये वाला पॉइंट होगा जहां पर x जीरो है, y y होगा और ये जीरो है, आ रही है बात समझ में, क्लियर एवरीवन, बहुत बढ़िया। अब अगर हम यहां पर देखें इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को, तो यहां पर y का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, दिस y का वैल्यू इज माइनस यहां पर 2 इंटू में r का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, r का वैल्यू हो जाएगा mv0 डिवाइडेड बाय qb0, mv0 डिवाइडेड बाय qb0, जहां पर m बाय q को, m बाय q को व्हाट वी कैन राइट, सो q बाय m को ये हो जाएगा सर माइनस, दिस इज 2v0, m बाय q को आई कैन राइट अल्फा एंड दिस इज b0, सो माइनस 2v0 डिवाइडेड बाय b0 अल्फा, तो ये हो जाएगा सर यहां पर आंसर, दिस इज ए। अब चूंकि क्वेश्चन में यहां पर कंफ्यूजन ये था कि चार्ज टू मास रेशियो में यहां पर ये क्या वैल्यूज गिवन थी, ये वैल्यूज नहीं गिवन थी, लेकिन
अब इस सवाल को मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्विस्ट करता हूं बच्चों। ये जनरल तरीका मैंने बताया जिसमें आप ऐसा सोचते कि सर नहीं दिया चार्ज टू मास रेशियो, तो हम क्या ले लेते हैं इसको, हम ले लेते हैं सर इसको पॉजिटिव और आंसर क्या कर देंगे ए। लेकिन ये सही नहीं है, ये सही इसलिए नहीं है बच्चों क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा है कि पार्टिकल कहां से पास करेगा, द पार्टिकल पासेस थ्रू 0, y, 0। वो बोलता 0, ये पॉइंट कैसा होगा 0, -y, 0। तो यहां से नहीं, पार्टिकल पासेस थ्रू हियर, पार्टिकल यहां से पास कर रहा है बच्चों, तो एनालिसिस बिल्कुल सेम होगा लेकिन बस ये रिजल्ट पॉजिटिव होगा। तो करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर इज सी बच्चों। प्लीज बी केयरफुल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मिक्स करके आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, आप कंफ्यूज ना होइएगा। उसने बोला है ना कहां से पास होगा 0, y, 0, दैट मींस y पॉजिटिव होना चाहिए, तो आंसर यहां पर ये दोनों नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते थे, केवल बी और सी वाले में कंफ्यूजन था, आपके सामने क्लियर है राइट बच्चों। चलिए अगला यहां पर बात करते हैं बच्चों मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। हमने मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल पढ़ के रखा हुआ है जिसमें हमने पढ़ा था सर आर इज इक्वल टू दिस होता है और टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन दैट इज ये होता है और अगर फ्रीक्वेंसी की बात करूं बच्चों तो 1/T हो जाता है, दैट इज ये कितना हो जाएगा सर, दिस इज qb/2πm। कितना हो जाएगा बच्चों qb/2πm, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। अब अगर क्या होगा, क्या होगा अगर आपका चार्ज पार्टिकल, देखो यहां पर वेलो, यहां पर बी कैसा है बच्चों, बी इज डायरेक्टेड इन द अपर डायरेक्शन और वी कहां जा रहा है, वी नाइदर इंटर परपेंडिकुलर टू द बी नॉर इंटर पैरेलल और एंटी पैरेलल, बट वी इज मेकिंग सम एंगल विथ बी बच्चों। वी क्या कर रहा है इस बार, कुछ ना कुछ एंगल मेंटेन कर रहा है, दैट एंगल इज अल्फा, जिसकी वैल्यू 90 - θ है बच्चों। कितनी है 90 - θ, क्लियर और नॉट। अब ये क्या करेगा, ऐसे स्पाइरल में घूमता हुआ जा रहा है, ये स्पाइरल में घूम कैसे रहा है ये आपको समझाता हूं बच्चों। एक्चुअल में इस वी के क्या होंगे, इस वी के दो कंपोनेंट्स होंगे बच्चों, इस वी के दो कंपोनेंट्स होंगे। एक अगर इस वी का मैं कंपोनेंट लूं तो ये वाला हो जाएगा बच्चों, दिस इज आप बोलेंगे सर वी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इसका क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट दिस वन, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा सर, दिस इज आपका वी साइन थीटा। नाउ बी केयरफुल, अगर मैं इस डायग्राम को फिर से यहां पर आपको बना के समझाऊं तो आप यहां पर बोलेंगे सर यहां पर बी है, इस तरफ क्या हो जाएगा सर, इस तरफ हो जाएगा सर वी कॉस थीटा और इधर क्या हो जाएगा सर, दिस इज आपका वी साइन थीटा। मैं इस तरह से लिख रहा हूं, इसको मैंने लिखा बच्चों वी पैरेलल और इसको मैंने लिखा वी परपेंडिकुलर। वेलोसिटी के दो कॉम्पोनेंट्स ब्रेक हुए हैं, वन इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड वैल्यू एंड वन इज पैरेलल टू द फील्ड। तो जो परपेंडिकुलर है उसकी वजह से, जो परपेंडिकुलर है बच्चों उसकी वजह से तो क्या होगा, उसकी वजह से सर्कल घूमने, उसकी वजह से सर्कल बनेगा, उसकी वजह से सर्कल बनेगा। लेकिन लेकिन ये वाला जो वी साइन थीटा है उस सर्कल को क्या करेगा, प्रोपोगेट करेगा, तो पार्टिकल ऐसे घूमने लगेगा, पार्टिकल ऐसे घूमने लगेगा, बोलो हाँ या ना। तो पार्टिकल किसमें घूमने लगेगा बच्चों, हेलिकल पाथ में, किसमें घूमने लगेगा, हेलिकल पाथ में, एग्जैक्टली लाइक दिस, यहां से ऐसा स्टार्ट करके ऐसे जाएगा। तो अगर आप यहां पर देखेंगे सर तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये जो डिस्टेंस होगा बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव सर्कल, इसको हम पिच कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम पिच कहेंगे। ध्यान से देख लीजिए, यहां पर यहां से घूमकर जब ये टॉप पर जाएगा तो डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव सर्कल विल बी पिच, और पिच कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो ये कब तक आगे बढ़ेगा, ये कब तक आगे बढ़ेगा, जब तक एक सर्कल बनेगा, जब तक एक सर्कल बनेगा उसी सेम टाइम तक ये प्रोपोगेट भी करेगा बच्चों। मतलब यहां पर क्या होगा, अगर मैं पिच की बात करूं बच्चों तो यहां पर कैलकुलेट हो जाएगा, देखो पिच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P is equals to V parallel into में T, V parallel into में क्या हो जाएगा बच्चों, T हो जाएगा। और यहां पर R कैसे निकालोगे, R में होगा बच्चों V perpendicular, R में हमेशा जो वेलोसिटी होगी वो परपेंडिकुलर टू द फील्ड होगी, इसलिए लिखा है एम वी साइन फाई डिवाइडेड बाई बी। पिच क्या होगा, वी पैरेलल इनटू में टी, तो वी पैरेलल कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हम लिख देंगे यहां पर, जो भी पैरेलल हो, जरूरी नहीं हो हमेशा कॉस पैरेलल होगा, साइन भी पैरेलल हो सकता है, डिपेंड करता है थीटा आपको क्या दिया हुआ है, क्लियर है बच्चों। चलिए इस पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते फटाफट से। अ प्रोटोन चार्ज कितना दिया, दिस चार्ज आपको दिया हुआ है, मास आपको दिया हुआ है, इस शॉट विद अ स्पीड 8 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30° विद द एक्स एक्सिस, विद द एक्स एक्सिस, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस बनाया, ये वाई एक्सिस बनाया एट एन एंगल ऑफ 30°, ये रहा हमारे पास 30°, दिस इज वेलोसिटी वी। अब बोला है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू दिस एग्जिस्ट अलोंग द एक्स एक्सिस, ओके,
मैग्नेटिक फील्ड यहां पर दिया हुआ है बी, जिसकी वैल्यू कितनी है बच्चों 0.30 टेस्ला, और वो कहां पर है आई केप में। इसका मतलब जो पार्टिकल है उसके दो वेलोसिटीज होंगे बच्चों, जो पार्टिकल है उसकी दो वेलोसिटीज होंगी, एक कहां पर होंगी, एक अलोंग मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी जिसकी वैल्यू हो जाएगी सर वी कॉस 30 डिग्री, दैट इज वी का वैल्यू जो भी हो कॉस 30 हो जाएगा बच्चों √3/2 अलोंग होगा, इसको मैं वी पैरेलल बोल देता हूं, और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा मतलब जो हो जाएगा आपका v sin theta, that means मुझे इसको बोलना चाहिए बच्चों v divided by 2, कितना कहना पड़ेगा बच्चों उसको v by 2। अब यहां पर क्या बोला है, show that the path of the proton is a helix, show that the path of the proton is a helix, it's a very simple sign बच्चों, right? अब यहां पर ये जो v है और ये जो b है इनकी वजह से एक force लगेगा अंदर की तरफ, मतलब ये circle कैसे यहां से originate करके ये circle ऐसे बनता, लेकिन ये क्या करेगा, this v cos theta will pull this circle ऐसा, तो ये ऐसे बनते बनते आगे propagate भी करेगा, ऐसे बनते बनते क्या करेगा बच्चों आगे propagate भी करेगा। अब यहां पर फाइंड द रेडियस एंड पिच ऑफ द हेलिक्स, तो रेडियस की अगर हम बात करेंगे तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों एम जो वी परपेंडिकुलर होगा डिवाइडेड बाय क्यू बी, आर इज इक्वल टू एम का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1.67 × 10⁻²⁷ kg, एंड वी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू वी का वैल्यू आपको दिया हुआ बच्चों 8 × 10⁻⁶ क्योंकि परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट जो है वो वी बाय टू है, एंड डिवाइडेड बाई क्यू, क्यू का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 1.6 × 10⁻⁹, एंड बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.3। आप इसे सॉल्व करके आर निकाल सकते हैं, और आप पी इज इक्वल टू वी कॉस थीटा इंटू में टाइम टी करके आप क्या निकाल सकते हैं बच्चों पिच, और टी कितना होगा, तो टी तो हो जाएगा बच्चों यहां पर टी का वैल्यू कितना होगा, तो टी का वैल्यू होगा सर 2 πm/qb, ये डिपेंड नहीं करता है वेलोसिटी पर, तो परपेंडिकुलर हो चाहे पैरेलल हो चाहे कैसा हो जाए बच्चों आपका किसी एंगल पर, हाँ हालांकि पैरेलल हुआ तो फिर वो रिवोलिटी नहीं करेगा तो फिर सेंस नहीं बनता, लेकिन इस केस में आपको थोड़ा सा विचारणीय बात करनी थी, ठीक है। चलिए, कैलकुलेट मैंने इसलिए नहीं किया बच्चों क्योंकि यार कैलकुलेट करने में वो बहुत मेहनत वाला काम मांग रहा था, मतलब बहुत लंबी कैलकुलेशन चली जाती, आप उसे कैलकुलेट करके एक बारी देख लीजिएगा जब भी आपको ये मिल जाता है, ठीक है, जब नोट्स मिल जाए तो इसे एक बारी कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक, क्लियर है बच्चों। चलिए अब अगला सवाल आपके सामने यहां पर है, एप्लीकेशंस इन्वॉल्विंग चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल मूव करता है उसको किस तरह से प्रैक्टिकलिटी में यूज किया जाता है बच्चों। पहला आता है यहां पर एग्जांपल वेलोसिटी सिलेक्टर कैसा होता है, तो दो प्लेट्स होती है बच्चों जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसी तरह से एक पॉजिटिवली चार्ज होता है एक नेगेटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स डायरेक्टेड होंगी, क्या होंगी बच्चों, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर डायरेक्टेड होंगी, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है इनवर्ट डायरेक्शन में। अब अगर इसमें कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा बच्चों, कोई चार्ज पार्टिकल अगर किसी वेलोसिटी v से मूव करेगा ऐसे, तो इस इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर एक एफबी फोर्स लगेगा लेफ्ट डायरेक्शन में, यस और नो, उंगली अंदर की तरफ वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब, तो ये एफबी लगेगा कहां पर बच्चों, मेरी तरफ मतलब टूवर्ड लेफ्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चूंकि चार्ज कैसा है पॉजिटिव, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एफ ई फोर्स लगेगा राइट साइड, सो एट इक्विलिब्रियम क्योंकि ये पार्टिकल कहां पर जाना चाहिए, पार्टिकल शुड मूव विदाउट एनी डेविएशन बच्चों, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, मतलब क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू वी बी, तो यहां पर वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी हो जाएगा बच्चों आपका ई डिवाइडेड बाई बी, मतलब अगर मेरे पास एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आई वॉन्ट टू सेंड अ पार्टिकल विच इज अ चार्ज पार्टिकल विदाउट एनी डेविएशन, सो विथ वॉट वेलोसिटी आई मस्ट सेंड, आई हैव टू सेंड विथ वेलोसिटी ई बाई बी, और एक और मजेदार बात, this v, this e and this b should be mutually perpendicular to each other, v, e और b तीनों एक दूसरे से mutually perpendicular होंगे, अगर तीनों mutually perpendicular नहीं हुए तो यह बात exist नहीं कर पाएगी बच्चों, फिर यह कुछ और तरह का motion हो जाएगा।
इसी तरह से यहां पर एक और सवाल होता है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं यहां पर मास स्पेक्ट्रोग्राफ। क्या बोलते हैं बच्चों? मास स्पेक्ट्रोग्राफ। ये भी एक आपका एप्लीकेशन है, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है क्या एक्चुअल में? तो जब हम यहां से ऐसे भेजते हैं तो यहां पर इस अपर रीजन में, अपर वेलोसिटी सिलेक्टर में ऐसे सीधे निकाल देते हैं, वो सीधे चला जाता है, टारगेट को हिट करता है। लेकिन मास स्पेक्ट्रोग्राफ में क्या करते हैं बच्चों, जो ऊपर वाला रीजन होता है यहां पर केवल मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। तो जैसे ही पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा, इसकी कुछ भी जो पर्टिकुलर स्पीड है, ये यहां पर टर्न करेगा। टर्न करके ये क्या करेगा बच्चों? आकर यहां पर हीट करेगा। ये हमारे पास क्या लगा होता है? डिटेक्टर। ये हमारे पास क्या लगा होता है बच्चों? डिटेक्टर लगा हुआ होता है। तो ये R का वैल्यू, R का वैल्यू आप क्या लिखोगे बच्चों? R का वैल्यू लिखोगे आप MV डिवाइडेड बाय QB। R का वैल्यू कितना रखोगे बच्चों? MV डिवाइडेड बाय QB। मतलब अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं तो R का अगर आपने ये वैल्यू बना लिया, R का आपने क्या किया बच्चों, ये वैल्यू बना लिया, जिसमें V आपको पता था V कितना होना चाहिए बच्चों? V शुड बी E by B। V का वैल्यू कितना होता है बच्चों? E divided by B। Isn't it everyone? भाई साहब बात समझ में आ रही है? सो यहां पर क्या लिखेंगे सर? दिस इज आपका R, ये हो जाएगा सर आपका MV, V की जगह वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा सर QB, और इसकी जगह रख देंगे सर आपका E डिवाइडेड बाय B। सो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। यहां से हम Q इधर लाइए, M नीचे लाइए, हम इसको बोलेंगे चार्ज टू मास रेशियो। क्या बोलेंगे बच्चों? चार्ज टू मास रेशियो S, जिसका वैल्यू अगर आप ऊपर से बनाएंगे तो दैट कैन बी हो जाएगा बच्चों BR डिवाइडेड बाय V। और अगर आप यहां से B का वैल्यू V की टर्म में रख सकते हैं, जो कि आपके पास वैल्यू अवेलेबल है, तो B का क्या हो जाएगा बच्चों? E डिवाइडेड बाय V। तो ये हो जाएगा सर आपका E इंटू में R डिवाइडेड बाय V स्क्वायर, या किसी भी तरह से और आप रिजल्ट यहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल केस। अंडरस्टूड बच्चों? चलिए अब हम बात करते हैं उसकी जिसके लिए आज का लेक्चर ये कन्फाइंड है, साइक्लोट्रॉन। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? हम साइक्लोट्रॉन के बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट। बड़ा आसान सा केस है, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, छोटी सी बात है बच्चों, है ना? तो साइक्लोट्रॉन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहां पर क्या होता है साइक्लोट्रॉन में, पहले कंस्ट्रक्शन समझो इसको, है ना? तो दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होती हैं बच्चों, दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होती है, और उन स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स की वजह से ये येलो कलर के आपको एरोज दिखाई दे रहे होंगे। ये येलो कलर के एरोज आपको दिखाते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या दिखाते हैं बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप यहां पर देखें तो ये रही मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये आपका नॉर्थ है और अगर ये आपका साउथ है, अगर ये नॉर्थ है और अगर आपका ये साउथ है बच्चों, तो सॉरी, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है? नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। अब उसमें बीच में क्या रखी? तो दो होलो शेप्ड, होलो मतलब खाली, खोखली, होलो शेप्ड की क्या रखी हुई है बच्चों? होलो शेप्ड की यहां पर रखी हुई है डीज। अब इन डीज के साथ हमने क्या अटैच किया? ऑसिलेटर। क्या अटैच किया बच्चों? हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को अटैच कर दिया। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर करता क्या है? एक बारी ये जो दो अलग अलग डीज हमारे पास है, ये जो दो अलग अलग डीज हमारे पास है, एक को हम कहेंगे सर D1 और एक को हम कहेंगे D2। एक को हम कहेंगे बच्चों D1, एक को हम कहेंगे D2। तो ये इन डीज को क्या करता है? एक बारी एक को अगर D1 को पॉजिटिव सप्लाई देगा तो D1 को नेगेटिव सप्लाई देगा और फिर ऑसिलेट कर देगा। ऑसिलेट कर देगा मतलब चेंज, D2 को देगा पॉजिटिव और D1 को देगा नेगेटिव। आ रही है बात समझ में? अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली ये समझ में आ रहा है। जैसे देखो यहां पर इस चार्ज को देखना, ये चार्ज क्या कर रहा है? देखो यहां पर चेंज हो रहा है ना साइन, साइन चेंज हो रहा है बच्चों। ये प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस, यहां देखो प्लस है, माइनस हो गया, प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया। मतलब जैसे ही अगर आप यहां पर इसके प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट को समझोगे, ध्यान से देखना है ना, तो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, इसको सुनना। अगर कोई चार्ज पार्टिकल जैसे कि आपके पास यहां पर रखा हुआ है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल यहां पर आपके पास रखा हुआ, ये व्हाइट कलर का, सबसे पहले सपोज आपने इनिशियली क्या किया बच्चों? अगर इसको आपने प्लस चार्ज दिया, क्या दिया बच्चों? प्लस चार्ज दिया। ये चार्ज ऐसा घूम रहा है ना, प्लस चार्ज दिया आपने, प्लस चार्ज दिया, इस वाले को दिया आपने पॉजिटिव। ये किससे कनेक्टेड है? सपोज ये कनेक्टेड है पॉजिटिव से और ये उस समय कनेक्टेड है नेगेटिव से। इसके प्लस और इसके माइनस हो जाने की वजह से, इसके प्लस और इसके माइनस हो जाने की वजह से यहां पर क्या होगा बच्चों? देर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, देर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बोलो हाँ या ना? प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कहां पर? केवल और केवल इस गैप में, इस गैप के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस गैप के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, या इस गैप के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि ये डीज केस है बच्चों, दीज आर कंडक्टिंग प्लेट्स। ये डीज केस थी बच्चों, दीज आर कंडक्टिंग प्लेट्स। तो ये जो डीज है ये कंडक्टिंग प्लेट्स हैं और किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट
नहीं करती। तो जैसे ही यहां पर ये जो चार्ज है ये क्या करेगा, इसको एक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा बच्चों? तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा क्यू ई। ये यहां पर भागेगा, एक्सलरेट करेगा। अब जैसे ही एक्सलरेट करेगा, यहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ, तो ये रही वेलोसिटी और ये रहा आपका फील्ड बच्चों। तो वेलोसिटी होने की वजह से जो फील्ड है ये क्या करेगा, चार्ज को टर्न करा देगा, रोटेट करा देगा। F इज इक्वल टू क्यू वी भी बच्चों। तो होगा क्या असल में, जैसे ये चार्ज इधर एंटर करने की कोशिश करेगा इस D1 से, सपोज ये आपका D1 है और ये आपका D2 है, जैसे ही D1 से D2 में एंटर करने की कोशिश करेगा, सेंटर पोजिशन से D2 में एंटर करने की पोजिशन करेगा बच्चों, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये फील्ड है। तो फील्ड की तरफ, फील्ड की तरफ मैंने क्या लगा दिया, तो ये मेरी उंगलियां बच्चों, और ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में ये हो गया, तो फोर्स लगेगा इधर, मतलब ये ऐसे सर्कल में घुमाएगा। आ रही है बात समझ में? अब यहां पर ये मैंने 2D में दिखाया है, इसलिए ये पार्टिकल ऐसे घूमने लगा, ये देखो कॉन्टिन्यूसली घूम रहा है। तो जब ये पार्टिकल इसके अंदर जाएगा, जब ये पार्टिकल यहां पर एक्सलरेट करके अंदर जाएगा बच्चों, जैसे अंदर जाएगा वैसे ये कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमेगा। क्या करेगा? एक कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमेगा, यहां पर एक्सलरेशन नहीं होगा। इनसाइड वेलोसिटी इज कांस्टेंट। सर इनसाइड वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों होगा? क्योंकि भाई साहब अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से केवल डायरेक्शन चेंज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सलरेशन और डी एक्सलरेशन होगा। जैसे यहां पर पहुंचेगा एट दी एज ऑफ D2, इमीडिएटली हाई ऑसिलेटर क्या करेगा, D2 को कर देगा पॉजिटिव और D1 को कर देगा नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर जाएगी। तो होना यह चाहिए था स्टैंडर्ड केस में कि यह डी एक्सलरेट करता, लेकिन चूंकि हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इसको क्या करता है बच्चों, ऑसिलेट करके चेंज कर देता है, तो यहां से ये पार्टिकल क्या करेगा, एक्सलरेट करेगा बच्चों और इधर आ जाएगा। तो ये जब एक्सलरेट करके आएगा तो यहां पर सर्कल का रेडियस क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा बच्चों। ऐसे ही ये क्या करेगा, घूमता हुआ जाएगा और एट लास्ट ये घूमते घूमते सर्कल बनाकर, राइट। अब मैं यहां पर थोड़ा सा है ना, एक मिनट बच्चों, इरेजर लेके कुछ चीजें यहां पर आपको जो मैंने एक्सप्लेन करी थी ये सब हटा दे रहा हूं यहां पर, तो इसका बस डायग्राम आप देख लीजिए, क्योंकि सब बस साइक्लोट्रॉन में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में आपको एक ही चीज यहां पर समझने वाली है कि ये काम कैसे कर रहा है, वर्किंग कैसे है, राइट। तो यहां से जब आप एक चार्ज पार्टिकल, एक मिनट बच्चों, जब ये चार्ज पार्टिकल यहां पर आप रखते हैं, तो ये चार्ज पार्टिकल यहां से ऐसे ऐसे घूम के यहां आ जाता है, एंड देन फिर ये क्या करता है बच्चों, यहां से ऐसे टेंजेंशियली लीव कर जाता है और अपने टारगेट को जाकर हीट कर देता है। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लोट्रॉन। समझ में आया आपको कैसे फ्रीक्वेंसी को ऑसिलेट करके हम किस तरह से करवा रहे हैं? पार्टिकल इज एक्सलरेटेड बिटवीन द गैप ऑफ द डीज ओनली। जो डीज की गैप है केवल उन्हीं में एक्सलरेट करेगा, इनसाइड द डीज एक्सलरेट नहीं करेगा, क्योंकि इनसाइड द डी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो मोशन है पार्टिकल का वो यहां पर कैसा होगा, of a spiral बच्चों, right? Understood? क्योंकि all the time यहाँ पर v क्या कर रहा है बच्चों, बढ़ता चला जा रहा है। ये था concept, ये सारी चीजें देखो यहाँ पर समझाई हैं। ये इस तरह से जा रहा है particle, है ना? Particle is going like that, यहाँ से ऐसा गया particle, ये जा रहा है like this, and फिर क्या करता है सर, जैसे यहां पर पहुंचता है तो यहां पर आपका एग्जिट पोर्ट होता है, और एग्जिट पोर्ट से चार्ज पार्टिकल क्या करता है, टारगेट को जाकर हिट कर देता है। यह है पूरी की पूरी कहानी बच्चों। रेडियस आर क्या होती है सर? तो रेडियस आर वही होती है आपकी सर, एमबी डिवाइडेड बाई क्यूबी के बराबर, राइट बच्चों। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो टाइम पीरियड आपका कितना होता है सर? टाइम पीरियड वही आपका 2πm डिवाइडेड बाई क्यूबी। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, फ्रीक्वेंसी की अगर बात करूं तो वो फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल के बराबर होना चाहिए। जितनी फ्रीक्वेंसी से चार्ज पार्टिकल घूम रहा है उतनी ही फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेटर को डीज की पोलैरिटीज चेंज करनी पड़ेगी बच्चों, राइट। तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, दिस इज आपका क्यूबी डिवाइडेड बाय, आप लिखेंगे सर 2πm। लेकिन यहां पर एक बात आपको बता दे रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चूंकि ये चार्ज पार्टिकल मोशन में है बच्चों, ये चार्ज पार्टिकल मोशन में है, हम यहां पर इस फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर को, दिस इज व्हाट, तो हम इसको लिखते हैं सर, दिस इज फ्रीक्वेंसी, ये क्या हो जाएगा बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। तो इस फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर को हम कांस्टेंट ले लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में कांस्टेंट नहीं होती है, ये साइक्लोट्रॉन का एक लिमिटेशन है बच्चों। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहां पर चार्ज पार्टिकल मोशन में है। चार्ज पार्टिकल कैसा है बच्चों? मूविंग है, मोशन में है। जब भी कभी कोई पार्टिकल मूव करता है
तो उसका जो मास है वो कांस्टेंट नहीं होता बच्चों। अगर एक पार्टिकल है सपोज यहां पर रखा है रेस्ट पर, अगर कोई पार्टिकल है रेस्ट पे रखा है उसका मास m नॉट होगा, लेकिन अगर यही पार्टिकल क्या करने लग जाए बच्चों, किसी वेलोसिटी v से मूव करने लग जाए ये पार्टिकल m, तो इसका जो मास है m वो क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज m नॉट डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। इस पर्टिकुलर रेशियो से कम हो जाता है तो मास इज नॉट कांस्टेंट बच्चों, और अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो ये फ्रीक्वेंसी भी फिक्स्ड नहीं होगा। तो अगर यहां पर क्या देखें तो मास क्या हो रहा है बच्चों, कम हो रहा है, मास क्या हो रहा है बच्चों, कम हो रहा है, तो हमें करस्पॉन्डिंग टू दैट यहां पर क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए वी नीड टू वेरी द मैग्नेटिक फील्ड, हमें क्या करना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन करना पड़ेगा। समझ में आ रही है सब लोगों को, क्लियर टू एवरीवन और नॉट? ये इसका एक छोटा सा एस्पेक्ट होता है आपके इलेक्ट्रॉन का, राइट जी, ठीक है, सॉरी मतलब साइक्लोट्रॉन का, कि साइक्लोट्रॉन किस तरह से एक्ट करता है, साइक्लोट्रॉन किस तरह से वर्किंग में आता है। तो छोटी छोटी सी चीजें हैं साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड, बस इसे ध्यान रखिएगा तो आप इसे ब्यूटीफुल तरीके से डील कर सकते हैं, ठीक है जी, क्लियर है बच्चों। चलिए ये था आज के लेक्चर में बच्चों, साइक्लोट्रॉन की छोटी सी बातें करी, किस तरह से हेलिकल मोशन में आपका पार्टिकल मूव ऑन करता है, राइट, एंड बाकी सारी चीजें। तो फटाफट से कुछ जनरल बातें कर लेते हैं, इफ यू आर थिंकिंग टू कम ऑन द प्लस देन डोंट वेस्ट योर टाइम, है ना, सोच विचार में वक्त ना गवाइए बच्चों, फटाफट से आ जाइए। तो क्या करेंगे यहां पर हम, तो सेलेक्ट दिस, यहां पर बच्चों बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आई विल सजेस्ट यू 1 ईयर एंड 2 ईयर, क्योंकि ये सबसे किफायती है, सबसे बेनिफिशियल है, क्वालिटी विथ मतलब रिवोल्यूशनरी एजुकेशन, क्वालिटी विथ इकोनॉमी बच्चों, राइट, यूज दिस कोड नीट लाइव बच्चों, जिससे ये क्वालिटी एजुकेशन और भी इकोनॉमिकल हो जाएगा, ठीक है। एंड एट लास्ट आपको बताई है टाइमिंग्स के बारे में बच्चों, मंडे ट्यूजडे वेनसडे 11th ग्रेड के टाइमिंग से 4, 5, 6 PM बायोलॉजी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 12th ग्रेड के टाइमिंग से बच्चों फ्राइडे सैटरडे संडे बायोलॉजी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 4, 5, 6 PM एंड एट लास्ट में आपको पता ही है दिस इज लाइफ चेंजिंग कोड। एंड बच्चों अगर आपका कोई मित्र, अगर आपका कोई क्लासमेट जेई की प्रिपरेशन कर रहा है और अगर उसे अनअकैडमी जेई की फैमिली के बारे में नहीं पता तो उसे बताइए एंड टेल देम टू बिकम अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी जेई फैमिली, इंजॉय करने का बोलिए आप उन्हें, क्योंकि यहां पर बहुत टॉप एजुकेटर्स, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स क्वालिटी एजुकेशन आपको दे रहे हैं। सिमिलर टू दैट, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन, आपका आपके स्कूल में कोई आपका जूनियर वगैरह अगर फाउंडेशन में है, अगर वो प्रिपरेशन कर रहा है, इफ दे वॉन्ट टू एस देयर प्रिपरेशन, अगर उन्हें चाहिए कि बहुत क्वालिटी एजुकेशन मिले, टेल देम टू बिकम अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी फाउंडेशन फैमिली बच्चों, क्योंकि हम सारे लोग वहां पर, मैं, अश्वानी सर, सचिन कपूर सर और भी कई सारे जो टॉप एजुकेटर्स हैं उस चैनल पर आपको वहां पर गाइड करते रहते, पढ़ाते रहते, राइट, एंड अनअकैडमी नीट बच्चों, राइट, दिस इज योर फैमिली। तो आप प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट दी बेल आइकन, ये जरूर नहीं भूलें आप, क्योंकि बेल आइकन की वजह से ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते हैं। एट लास्ट में आप लाइक और शेयर करना ना भूले, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन आप यहां पर शेयर जरूर करिएगा विद हैशटैग नीट लाइव डेली ऑन योर सोशल मीडिया अकाउंट्स, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। टिल देन लव यू ऑल, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय बच्चों।